Welcome in this new video. I'm Sir Ali and you are watching Sir Ali YouTube channel. तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैंने एक दिन पहले ये लास्ट डे मैंने एक वीडियो डाउनलोड की थी, हाउ टू डाउनलोड अपलोड की थी यूट्यूब पे, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल अडोबी फोटोशॉप CS6 3. तो मेरे जो जो सब्सक्राइबर हैं, जो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये डाउनलोड कर लिया है, वो वीडियो के कमेंट पे लिखें, टाइप करें कि यस सर वी हैव डाउनलोडेड. तो आज आपकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने जा रही है अडोबी फोटोशॉप की. तो वीडियो बड़ी मजे की होनी चाह रही है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीखेंगे. तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो यार चैनल पर नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो उससे भी पहले एक रिक्वेस्ट है कि यार आप के पास अगर कोई अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो छोड़ दें, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए. नोटपैड रखे पास, कुछ नोट्स होंगे, कुछ शॉर्ट कीज होंगे उनको लिख लीजिएगा, जो जो पॉइंट होंगे उनको लिख लीजिएगा. ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो आज मैं अपना ये एडोबी फोटोशॉप ऑन करता हूँ जी. यस, तो एडोबी फोटोशॉप ऑन होता है तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जी. ये आज 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 आपकी फर्स्ट क्लास है. इस क्लास में हम सिलेक्शन के बारे में सीखेंगे और कुछ इंटरफेस के बारे में सीखेंगे. तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका डिस्प्ले बता दूं. ठीक है, ये फोटोशॉप है, ये मेन्यू है, फाइल एडिट, इमेज लेयर. ठीक है, ये टूल बार है, ये जो ये साइड में नज़र आ रही है ये टूल बार है. ये आपके लेयर्स का पैनल है, ये कलर्स है. ठीक है, तो अब आपने अपनी मर्जी से अपना वर्क एरिया स्पेस वगैरह बना सकते हैं. अब देखिए जी, अब हम क्या करते हैं, देखिए अगर मैं ये देखिए ये जो वायर आपको नज़र आ रहे हैं, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये सिंगल टाइप पे आ जाएगी, और अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये डबल. तो मैं डबल में रखता हूँ ताकि इसमें आपके जितने भी टूल्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए. अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको अडोबी फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन बता दूँ जी. अडोबी फोटोशॉप जो है अडोबी की प्रोडक्ट है, और ये फोटोशॉप जैसे नाम से जाहिर है ये फर्स्टली स्टार्ट हुआ था कि आप अपनी फ़ोटो पे कुछ एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, मींस अपने फ़ोटो को शार्प कर सकते हैं, फ़ोटो को प्यारा बना सकते हैं. उसमें अगर कोई रफ है आपका फेस आ रहा तो उसको क्लीन कर सकते हैं, तो बहुत सी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं इसमें. ठीक है, और ये एक रास्टर बेस्ड इमेज प्रोग्राम है. रास्टर बेस कौन से होते हैं? वो इमेज होते हैं जो पिक्सल पे बेस करते हैं. पिक्सल, अगर आपने नोटिस किया होगा कोई, अगर आप इमेज आप ओपन करते हैं तो उसको जैसे जैसे एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो उसके पिक्सल फटते जाते हैं, पिक्सल नज़र आते हैं, तो वो होता है पिक्सल बेस. तो ये रास्टर बेस इमेज प्रोग्राम है. ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसमें आपने ये देखना है कि आपका जो वर्क एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लेयर्स, इसको मैं उठाता हूँ, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर कर लिया आपने. या फॉर एग्जांपल ये आपसे ये डिलीट हो जाती है, ये देखो जी ये मेरे इमेज डिलीट हो गए, मुझे पता नहीं चला सर ये मेरे डिलीट हो गए. तो फिर आपने क्या करना है, आपने विंडोज़ पर जाना है, वर्क स्पेस पर जाना है, और ये देखिए मैं असेंशियल बाय डिफॉल्ट रखता हूँ कि इसमें असेंशियल चीज़ें जो आएंगे, लेकिन आप इसमें रीसेट असेंशियल करेंगे तो वो देखिए दोबारा से वो अपनी स्पेस पे आ जाएंगे. ठीक है जी, ये आपने सीखा. उसके बाद आप ये असेंशियल यहाँ से भी आप कर सकते हैं. ठीक है ना, ये असेंशियल यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं. अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ फाइल पर जाके न्यू करता हूँ, न्यू फाइल लेता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे आपने अपना नेम मेंशन करना है किसी भी फाइल का. यहाँ पे कस्टम ही है, ये देखिए ये डिफ़ॉल्ट है, यूएसए वेब पेज फिल्म कस्टम. ठीक है, मैंने कस्टम रखा हुआ है. ठीक है, आपने कस्टम रखना है. यहाँ पे विड्थ है, ये पिक्सल्स में होगी, ये हाइट है पिक्सल्स में. रेजोल्यूशन है 72 पिक्सल्स पर इंच. रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि रेजोल्यूशन क्या होती है कि एक इंच में कितने पिक्सल आते हैं, ये रेजोल्यूशन होती है. तो ये स्टैंडर्ड आप 72 ही रखा करें, क्योंकि 72 ही शो करती है जो भी आपको इमेजेस वगैरह, जो भी आपको फोटो वगैरह शो होती है ना वेब पे, वो 72 रेजोल्यूशन पे ही आती है. और कलर उसका RGB ही रहने दें, ये RGB स्टैंडर्ड चलता है.
8 बिट आपको जितनी भी आपको मोबाइल पे पिक्चर्स हैं या इस पे पिक्चर्स शो होती हैं वो सारी 8 बिट पे शो होती हैं। बैकग्राउंड इसका वाइट है, ट्रांसपेरेंट है, बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, वाइट रख लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, अपना प्री सेट सेव कर सकते हैं, मतलब एक साइज अगर आप बार बार यूज करते हैं तो उस साइज को आप बार बार सेव कर सकते हैं। जैसे ये विड्थ मैंने 1000 रखी है और हाइट मैंने 500 पिक्सल्स रखी है, मैं इसको सेव प्रीसेट कर सकता हूँ। सेव प्रीसेट, ओके। अब ये कह रहे कि आपने नाम, ये ऑलरेडी है इसमें, ठीक है, आप इसका नाम चेंज करें तो फिर ये जाके होगा। तो मैं इसको 600 पे करके देखता हूँ। ओके ठीक है, ओके। अब ये देखें, ये मेरा एक कैनवास आ गया, ठीक है। अब क्या वर्ड है जो फोटोशॉप पे जिस एरिया पे आपने काम करना तो ये वाइट सा नजर आ रहा है, इसको कैनवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनवस, ठीक है। इस कैनवस पे काम करना है आपने। तो ये प्रीसेट सेव हो गया, मतलब अगर मुझे नेक्स्ट भी चाहिए तो मैं फाइल न्यू न्यू या न्यू पे जाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, सेव प्रीसेट पे जाऊंगा तो ये ऑलरेडी मेरा सेव हुआ है, ठीक है। इसको दूसरे नेम चेंज करके तो ये ओपन हो जाएगा। खैर, ये मैंने अपने कैनवस बना लिया, कैनवस ऑन कर लिया, ठीक है। अब जो है इसको देख लेते हैं, ये अनटाइटल देखें, इसमें को मैंने को सेव नहीं किया। ये इसकी रेजोल्यूशन है 100% है और आरजीबी कलर है और 8 बिट इसकी चीज रेजोल्यूशन, ठीक है। अब आप बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हम ना जैसे ही जूम इन करते हैं पिक्चर को या जूम आउट करते हैं पिक्चर को तो उसके पिक्सल्स बड़े रफ से शो करते हैं, क्लियर रिजल्ट नहीं आता। वो ऑब्वियसली ऐसे ही बात है, जब आप जूम इन जूम आउट करके देखोगे तो ऐसे ही होगा, लेकिन आपने हमेशा याद रखिए कि जो भी इमेज है उसको 100% पे जाके चेक करें तो फिर उसका क्लियर रिजल्ट आएगा। देखिए, जैसे 100% है, ठीक है, 100% पे करेंगे तो फिर जाके ये क्लियर आपको उसका रिजल्ट शो होगा, ठीक है जी। अब देखिए, जूम इन जूम आउट की कमांड क्या है जी, अब कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये देखिए जूम इन हो जाएगा, कितना, 200%। कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा, ये देखिए 50%। तो आपने हमेशा 100% पर रख के काम करना है, ठीक है। कैनवस, इसको क्या बोलते हैं, कैनवस, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, यहाँ पे हो गया। अब मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ जो चीजें, वो है मैं आपको सिलेक्शन और रिमूव टूल के बारे में बताऊंगा आज, ठीक है। सिलेक्शन और मूव टूल के बारे में। अब देखिए, सिलेक्शन क्या होती है, सिलेक्शन आप बोल सकते हैं कि जैसे ये देखिए, ये दो टूल्स हैं, एक है सिलेक्शन का। वीडियो लंबी होगी तो घबराना नहीं, क्योंकि सीखने को नई चीजें मिलेंगी, तो नहीं, अगर सीखना है तो फिर जाहिर है आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये देखिए, ये सिलेक्शन का टूल है, ये एरो ये शो कर रहा है कि इसके आगे अंदर भी कमांड्स छुपी हुई हैं। तो अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो फिर ये अंदर आपको ये कमांड शो करेगा। ये रेक्टेंगल मार्की टूल है, ठीक है। पहले पहले रेक्टेंगल ही होगा, आप लोगों को पहले रेक्टेंगल होगा, मैंने वो बाद में ये एलिक्स सेलेक्ट किया था ना, लेकिन आप लोगों का ये मार्की ही होगा ये। अब देखिए, सिलेक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे। अच्छा, सिलेक्शन से पहले भी एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, लेयर्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये लेयर्स का पैनल है, इसको मैं लेयर्स को बाहर निकाल लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये लेयर्स है, इसको फिर आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, देखें जहां पे मर्जी, ये देखें ये, ठीक है। लेयर्स क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये पेंट है, ये मैं सेलेक्ट किया, ये ब्लू कलर सेलेक्ट किया और ये देखें, ये मैं पेंट कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूं कि इसको मूव कर सकूं कहीं और, तो ये देखिए मूव नहीं होगा, ये मूव नहीं होगा, क्यों? मैं आपको इसको एक एग्जांपल के समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक दीवार है और दीवार पे अगर मैं कोई पेंट कर देता हूँ और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस पेंट को हलाऊं, पेंट को कहीं चेंज करूं, तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, वो दीवार पे है तो वो
पेंट नहीं हो सकता। लेकिन उसी के बरक्स अगर मैं उस दीवार पे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा दूं और उस ग्लास पे पेंट बनाऊं और फिर उस ग्लास को मूव करूं तो वो मूव हो सकता है। तो यही डिफरेंस होता है एक कैनवस में और एक लेयर में। तो लेयर आपने क्या करनी है, हमेशा लेयर पे काम करना है। कोई भी काम करना है तो एक न्यू लेयर बना लेनी है, उस लेयर पे काम करना है। क्यों? क्योंकि लेयर पे जब आप न्यू लेयर पे काम करेंगे तो उससे आपसे इजी हो जाएगा कि आप किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को किसी में ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो उससे आपका जब न्यू लेयर पे काम करेंगे तो आपका जो असल ओरिजिनल होगा ना जो चीज़, वो आपकी ख़राब नहीं होगी। तो इसलिए अपने लेयर्स पे काम करना सीखना है। कोई भी छोटी मोटी चीज़ है वो लेयर पे काम करेंगे। अब देखिए इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे ये देखिए मैंने ये बनाया तो ये मेरे से मतलब मूव करना चाह रहा हूँ तो ये मूव नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस ये देखो इसी को ये देखो सेलेक्ट किया, देखो कोई मूव नहीं हो रहा, सेलेक्ट किया और मैं क्या करता हूँ इसको, मैं यहाँ पे लेयर एक बनाता हूँ। ये है लेयर का टॉपिक, ठीक है। ये इसको मैं लेयर बाहर रख लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखें, ये नीचे क्रिएट न्यू लेयर, न्यू लेयर क्रिएट की, ठीक है। ये अब देखिए इस पे मैं ड्रैग करता हूँ कुछ चीज, ये पेंट बनाया और ये देखिए ये है मूव का मूव। अब मैं देखो इसको मूव कर सकता हूँ जहां पे मर्जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लेयर पे चीज आ गई है लेयर। अगर मैं उसी कैनवस पे करूंगा तो फिर ये मूव नहीं होगा। तो इसलिए आपने जब भी कोई छोटी छोटी भी चीज एडिटिंग करनी है तो एक न्यू लेयर पे काम करें। तो लेयर से दोस्ती करें, लेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेयर पे काम करना सीखें, लेयर पे काम करके फिर उसको फाइनल किया करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने एक ही इमेज पे सारा कुछ काम कर लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है जी। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया लेयर्स का, ठीक है। अब लेयर को डिलीट करना, तो लेयर पे क्लिक करें, देखें ये देखो इसको पकड़ कर ड्रैग करें तो यहाँ पे आकर डिलीट कर दें, ये डिलीट हो जाएगी। क्रिएट करनी है तो फिर यहाँ पे क्रिएट, और अगर उस लेयर पे जो रख के क्लिक करेंगे तो डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगी, ठीक है जी। ये थी इसकी लेयर्स की, लेयर्स पे काम करना। अच्छा जी, अब हाँ ये मूव का आपको समझ आ गया, मूव करना है तो मूव लेयर पे होगा, मूव उस कैनवस पे मूव नहीं होगा जो आपने बनाया हुआ है। एक न्यू लेयर पे कुछ एस्पेक्ट बनाएंगे तो फिर वो मूव होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम समझ लेते हैं जी सिलेक्शन का, समझते हैं जी सिलेक्शन से पहले भी ना। ये देखिए ये सेलेक्ट किया, ये देखिए इसको सेलेक्ट किया ये चीज। अब देखिए सिलेक्शन का मतलब, सिलेक्शन क्या होती है, सिलेक्शन का मतलब है कि ये एक एक्टिव एरिया है कैनवस में, जितना जितना आपने सेलेक्ट किया ये एक्टिव एरिया, इस पे काम होगा। अब बाकी बाहर नहीं, देखो अब मैं ये पेंट पकड़ता हूँ, अब देखो मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे पेंट नहीं होगा, देखें नहीं ना हो रहा। लेकिन मैं इस सिलेक्शन के अंदर करूंगा तो अंदर पेंट हो जाएगा। तो क्या समझ आई, सिलेक्शन उस कैनवस का एक्टिव एरिया है जहां पे अब आपने काम करना है, ठीक है जी, ठीक है। ये हो गया सिलेक्शन। अब हम सिलेक्शन की सारी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, सही है, सिलेक्शन की सारी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। ये सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। अब सिलेक्शन की प्रॉपर्टी समझते हैं, ये सिलेक्शन की, अब देखें ये सिलेक्शन है नॉर्मल, ये जो ये जो फर्स्ट लिखा है ना, ये देखें ऊपर, ये सिलेक्शन एक सिलेक्शन रखूंगा और दूसरी फिर तीसरी, यानी कि इसका मतलब ये है कि पिछले वाली गायब हो जाएगी और नई सिलेक्शन बन जाएगी, ठीक है। इसके साथ ये लिखा हुआ है, ये देखें ऐड टू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन का मतलब है कि इसके अंदर कोई सिलेक्शन ऐड करनी है, ये देखें ये, ठीक है जी। अब ये देखें ये क्या है जी, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ये जितना सेलेक्ट करेंगे उतना हिस्सा ये कट कर देगा, ये ठीक है। और उसके साथ ही ये इंटरसेक्शन है, जितना जितना कॉमन होगा वो खत्म कर देगा, और ये देखें इंटरसेक्ट हो गया, ये देखें जो कॉमन होगा वो खत्म हो जाएगा, इंटरसेक्शन, ठीक है।
लेकिन ये बड़ी इरिटेटिंग होती है, ये इरिटेट करती है कि समझ नहीं आती आपने सिलेक्शन की है कि ये नहीं की। तो इसके लिए आप शॉर्ट कीज यूज करें, जितनी आप शॉर्ट कीज यूज करेंगे फोटोशॉप में उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि शॉर्ट कीज काम को स्मूथ और इजी और जल्दी जल्दी करती है। ठीक है, इसकी शॉर्ट की क्या बनाएंगे आप? तो आपने क्या करना है जी, अगर कोई सिलेक्ट जैसे ये देखिए मैंने सिलेक्शन की है, तो इसमें मैंने कुछ चीज ऐड करनी है, तो अब आप शिफ्ट को प्रेस करें और ये देखें ड्रैग करें तो ये सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। देखें जैसे शिफ्ट भी है, ये देखें जैसे मैं करता हूँ तो ये मूव हो जाता है, ये ऐड की होगी। ठीक है, और अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्शन वाली, तो फिर आल्ट प्रेस करें, आल्ट प्रेस करके तो ड्रैग करें जो सिलेक्शन हो, देखिए ऊपर देखे जो आल्ट प्रेस किया हो तो देखिए ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, और अगर आपने इंटरसेक्शन करना है तो दोनों आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके रखें और ड्रैग करें तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर हो गया सेक्शन की प्रॉपर्टीज। ये ऐड करने के लिए देखिए ये सिंपल सिलेक्शन, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है और ये इंटरसेक्शन है, तो इनकी शॉर्ट कीज भी बता दी, ये शिफ्ट से हो जाएगी, ये ऑल्ट से हो जाएगी और ये शिफ्ट ऑल्ट दोनों को प्रेस करके हो जाएगी सिलेक्शन की। क्लियर है जी। अब सिलेक्शन के साथ साथ ये है फेदर, फेदर समझ ले फेदर क्या होता है जी। फेदर सपोज मैं रखता हूँ यहाँ पे 50 फेदर करता हूँ मैं, अब देखिए इसमें क्या मसला, सिलेक्शन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये सेलेक्ट किया, देखिए ये फेदर है, अब इसमें मैंने कलर फिल करना है, तो कलर फिल करने के लिए ये देखें ये बकेट, ये है पेंट बकेट, अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ ना तो ये पहले आपका डिफॉल्ट ग्रेडियंट टूल होगा, आपने राइट क्लिक करना है तो ये बकेट पेंट होगा, पेंट बकेट इसको सेलेक्ट करना है, जो भी कलर आपने सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट किया, ओके किया और इसमें फिल कर दिया, अब ये देखिए ये फेदर आ गया, फेदर मतलब ये देखें ये फेदर। अच्छा ये भी हो गया फेदर, अब देखें अब जब भी मैं कुछ सेलेक्ट करूंगा तो उसमें फेदर अप्लाई हुआ, क्योंकि आपने ऊपर उसका 50% रखा हुआ है तो ये परमानेंट रहेगा, लेकिन अगर आपने इसको खत्म करना है तो वो ही सेम जीरो कर दें। ठीक है, अब कुछ सेलेक्ट करें तो आप देखें अब ये सिलेक्शन है। ठीक है, पहले मैं इस सिलेक्शन को सेलेक्ट करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, ओके, अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ जी, फेदर का आपको मैं एक और समझाता हूँ कि अगर आपने बगैर इसके फेदर करना हो, ये सेलेक्ट किया, ठीक है, अब ये फेदर तो समझ आ गया, फेदर का अब फेदर के आगे नेक्स्ट है नॉर्मल। नॉर्मल स्टाइल में ये होता है कि अगर आप नॉर्मल सेलेक्ट है तो नॉर्मल सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन अगर ये फिक्स्ड रेशियो होगी तो ये देखो 1:1 की है तो ये फिक्स्ड में ये देखिए ये इतना सा ट्राइंगल बनाएगा, ये इतने से ये चीज बनाएगा। अगर मैं इसको विड्थ को 2 कर देता हूँ, अब देखें ये कुछ ऐसे बनाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे सिलेक्शन बनाएगा, ये कुछ ऐसे सिलेक्शन बनाएगा। ठीक है जी, और फिक्स्ड के बाद ये है फिक्स्ड साइज, फिक्स्ड साइज में 64x64 की सिलेक्शन करेगा ये। ठीक है, तो आपने हमेशा इसको नॉर्मल साइज पे रहने देना है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब ये देखिए ये सिलेक्शन की आपकी प्रॉपर्टी सारी क्लियर हो गई। ठीक है, तो मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, तो इस पे मैं आप अच्छा सिलेक्शन के बाद अब ये देखें ये अगर मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखें एलिप्स, एलिप्स सिलेक्शन में ये देखें ओवल बन जाएगा, ऐसे ऐसे बना सकते हैं।
ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये सिंगल किया, लेकिन आप रेक्टेंगल पे रखिए, रेक्टेंगल ज़्यादा यूज होता है इसमें, सही है जी। अब फैदर, अब मैं आपको कलर का समझा दूँ थोड़ा सा। देखिए ये कलर है, इसको बोलते हैं फोरग्राउंड कलर, ये जो ऊपर फर्स्ट वाला फोरग्राउंड जो आपको बाय डिफॉल्ट होगा वो, देखिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ब्लैक एंड ये बाय डिफॉल्ट आपका, इसको ब्लैक को बोलेंगे फोरग्राउंड कलर, और ये जो बैक पे इसको बोलेंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड वाइट है और फोरग्राउंड, इसको आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, इसको स्वैप भी कर सकते हैं, ये देखिए करेंगे क्लिक किया तो स्वैप हो गया, वाइट ऊपर ब्लैक नीचे स्वैप हो गया, इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें, इसमें आप रेड रखना चाहें रेड सेलेक्ट कर लें, और वाइट को सेलेक्ट करें, और इसमें अगर आप ब्लू रखना चाह रहे हैं तो ये ब्लू को सेलेक्ट करें, और ये ब्लू आ गया, ठीक है, सही है जी। अच्छा, अब इस कलर को फिल करना है तो उसको समझ लेते हैं कैसे करना है जी। ये सेलेक्ट किया सिलेक्शन, अब इसमें मैं कलर करना चाह रहा हूँ तो वही है जी, पकड़ को सेलेक्ट किया, इसको किया रेड सेलेक्ट किया, और ये इसमें रेड कर दिया। एक तो ये तरीका है, ठीक है, लेकिन हम शार्ट की करते हैं, कंट्रोल जी करके अंडू करता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा अंडू भी समझ ले, कंट्रोल जी अंडू, इसमें एक ही दफा अंडू है, लेकिन अगर बार बार करना हो ना, सपोज ये अगर हम इसको यू समझते हैं, ये मैं ये ब्रश पकड़ता हूँ, एक ये ब्रश, सॉरी से ब्रश रेड कलर सेलेक्ट किया, ये मैंने सिलेक्शन की तो देखे इसके साथ ही ये राइट क्लिक किया तो फेदर आ गया, तो यहाँ पे मैं फेदर की अमाउंट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये राइट क्लिक करूँगा तो डी सेलेक्ट करूँगा तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा, फिर सेलेक्ट किया राइट क्लिक किया, ठीक है, तो सेलेक्ट इनवर्स में ये इनवर्स की ऑप्शन है, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे ये कैसे करना है। सबसे पहले मैं ये क्या करता हूँ कि ये सेलेक्ट किया, ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डिलीट कैसे करना है, आपने कलर को कैसे फिल करना है। ये सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे ये एक सिलेक्शन बनाई, अगर तो मैंने फोरग्राउंड कलर, ये जो फर्स्ट वाला रेड वाला कलर आपने करना है, तो आपने इसको शॉर्ट की कंट्रोल बैक स्पेस करना है, तो ये बैकग्राउंड वाला हो जाएगा, और अगर आल्ट बैकग्राउंड कर आल्ट बैक स्पेस करेंगे तो फोरग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए कंट्रोल बैक स्पेस से ये बैकग्राउंड कलर, और आल्ट बैकग्राउंड से फोरग्राउंड कलर, ये शॉर्ट की है इसकी, ठीक है। कंट्रोल बैकस्पेस से बैकग्राउंड, आल्ट बैकग्राउंड से फोरग्राउंड कलर आप शॉर्ट की से फिल कर सकते हैं, ठीक है। बजाय आप यहाँ पे ग्रेडियंट टूल पर जाएं, पकड़ को पकड़ के सेलेक्ट करें, ठीक है, कलर यहाँ पे सेलेक्ट ऑलरेडी हुआ हो तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। इतना ये भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब ये तो ये पूरे पूरे पे हो गया, कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी, ठीक है। अब मैं इस लेयर को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे ऐसे डिलीट कर दिया, ठीक है, ये मेरा बैकग्राउंड का असल ये था मेरा, ठीक है। अब इसमें रेज करना है तो ये देखे ये रेजर है, ये रेजर टूल भी है, इसको रेज करेंगे तो ये देखे, ये तो मैंने सॉरी वो कलर पकड़ा हुआ ना, आप यहाँ पे इसको ओरिजिनल पे करें, वाइट करें, ओके, इरेजर पकड़ा और ये देखिए इरेज हो गया, ठीक है, ये इरेजर का ये फंक्शन है, ये भी आपने सीख लिया। खैर सिलेक्शन भी हो गया और मूव टूल भी हो गया और कलर की कॉम्बिनेशन भी हो गई और शॉर्ट कीज भी मैंने आपको बता दी। फिर मैंने आपको ये समझाया कि लेयर्स पे काम करना है, लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर पे काम करेंगे तो देन मूव होगा, एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपके अपने कैनवस पे करेंगे तो फिर उस पर काम नहीं होगा। अच्छा, अब फेदर का भी मैंने आपको समझा दिया,
फेदर क्या होता है, ठीक है। अगर मैं ये देखा फिर ये सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब देखें फेदर का आपको मैं समझाया था, लेकिन अगर मैं ये सिलेक्शन पे जाके फिर ये देखो ऐसे क्लिक करूं, ये राइट क्लिक करूं, फेदर पे क्लिक करूं और मैं 30% इसको फेदर दे दूं, ठीक है। अब ये देखिए ओके। और अगर मैं इसमें कलर करूं, सॉरी अब मैं कलर के लिए शॉर्ट की क्या करता हूँ, हार्ड बैक स्पेस, तो देखें ये फेदर आ गया, ठीक है। फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक हो गया जी। अब कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, सिलेक्शन की बात हो रही थी। अच्छा ये फेदर भी हमारा फेदर क्लियर हो गया। अब देखिए मैं ये देखिए ये सिलेक्शन, सॉरी ये सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है। ये देखिए मैंने ये सेलेक्ट किया, इसको राइट क्लिक किया, ये सेलेक्ट किया, ठीक है, ये सेलेक्ट किया और इसको मैंने डिलीट कर दिया, ओके, ये देखिए डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये आपको सिलेक्शन में मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज बता दी, ठीक है, फेदर की भी बता दी, नॉर्मल साइज का बता दिया, कलर का मैंने बता दिया, शॉर्ट्स की भी बता दी, ठीक है। एक दफा फिर ये देखे समझ लें, अगर मैं ये देखे सेलेक्ट करता हूँ ये, तो सिलेक्शन क्या होती है, कैनवस का एक्टिव एरिया होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस पे राइट क्लिक करके ये फेदर करूँगा तो वही 30% मैंने दिया होगा, मैं इसको 40% दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ और इसमें मैं फिल करता हूँ ऑल बैग्स पे, ये देखिए सिलेक्शन आ गया, ठीक है, फेदर आ गया। अगर मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और फिर कंट्रोल जी करता हूँ तो ये देखिए एक ही दफ़ा है, ठीक है, कंट्रोल जी। अब इसमें फोटोशॉप में जो आपका है ना क्या बोलते हैं अंडू, वो सिर्फ एक ही दफ़ा है, ठीक है। तो आपने इसको अगर समझना है, फॉर एग्जांपल मैं ये देखे पेंट, ये ब्रश पकड़ता हूँ और ये मैं ब्रश के ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, अगर आप बार बार अंडू करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक दफ़ा किया कंट्रोल सी तो एक ही दफ़ा अप्लाई होगा, देखिए लास्ट अंडू, लेकिन अगर आप बार बार अंडू करना चाह रहे हो तो आपने क्या करना है, कंट्रोल कंट्रोल प्लस ऑल्ट और फिर सी 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 सी, ठीक है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी, तो फिर ये बार बार अंडू होगा, ठीक है। एक दफ़ा कंट्रोल सी करें तो वो एक दफ़ा अंडू होगा, ये भी क्लियर हो गया। मैं कलर का भी हो गया, फेदर का भी हो गया सिलेक्शन में। अब जो आपको समझाना था, हाँ फेदर इनवर्स में, ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट किया तो जी, अब मैं ये देखें ये सिलेक्शन को मैंने सेलेक्ट किया और ये देखें ये सेलेक्ट किया, इस पर राइट क्लिक किया तो मैं सेलेक्ट इनवर्स करता हूँ। सेलेक्ट इनवर्स करेंगे तो देखें अगर आप गौर करें तो ये एक बार ये सिलेक्शन हो गई है। अब मैं यहाँ पे कलर करता हूँ जी, ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ तो वो देखें बैक पे ये कलर हुआ है, इस सिलेक्शन के अंदर नहीं हुआ। तो सेलेक्ट इनवर्स का मतलब है कि अब आपका एक्टिव एरिया वो इनवर्स वाला एक्टिव एरिया, जबकि ये वाला एक्टिव एरिया नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको मैंने समझा दिया, ये खैर इतनी सच बड़ी बात नहीं थी, वो आपको समझ आ गई है। डी सेलेक्ट करेंगे तो खत्म हो जाएगी सिलेक्शन सारी, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल, ठीक है जी, आर कंट्रोल से बार बार बैक स्पेस अंडू हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट कीज है, तो फोटोशॉप में शॉर्ट कीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट कीज आपको काम को स्मूथ और फास्ट बना देती है। तो शॉर्ट कीज की प्रैक्टिस करें, इसको लिखने साथ साथ मेरे लेक्चर को बार बार सुने, जो वर्ड मैं चीज यूज करता हूँ वो इसको यूज करें। अच्छा अब हमने जो चीज़ें, अगर हमने जो भी हमने आज का ये लेक्चर सीखा है, अगर हम इससे कुछ अपना एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाए तो क्या बनेगा, वो बनाते हैं। फाइनल है वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन आप पूरी देखें क्योंकि सिखाना है तो सीखना भी है, तो फिर ये वीडियो लंबी का कोई, जब मैं फ्लो में होता तो फिर पता नहीं चलता, काम करना पड़ता है। आपने क्या करना है कि मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, वहाँ पर जाना है आपने अनसप्लैश अनसप्लैश.com आपने सर्च कर लेना, ठीक है,
ये फर्स्ट वेबसाइट ही आ गई है, ये मैंने ओपन की हुई थी। ये स्टॉक फुटेज जो भी आप डिजाइनिंग का काम करते हैं इसमें आप बहुत अच्छे अच्छे आप वीडियोस डाउनलोड कर सकती हैं, ठीक है। तो अपना प्रोजेक्ट्स के लिए, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी है उसके लिए आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको डाउनलोड कर, ये डाउनलोड की मैंने, ये डाउनलोड होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस, सॉरी किधर गई वीडियो, ये डाउनलोड हुई है, इसको मैं ड्रैग, जी वो पिक्चर आपने डाउनलोड की उस पिक्चर को मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे फोटोशॉप पे आता हूँ। फोटोशॉप पे आके यहाँ पे मैं उसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि पिक्चर आपने कहाँ पे ड्रैग की है, वो चीज़ बड़ी मायने करती है। आपने क्या करना है, इसको पकड़ा, ड्रैग किया, फोटोशॉप पे आए और यहाँ पे आके इसको या मैं फाइल में जाके, ओपन में जाके, तो यहाँ पे देखें आपने डाउनलोड में रखी थी, डाउनलोड डाउनलोड वेयर इज डाउनलोड, तो डाउनलोड में ये पिक्चर आई, इसको क्लिक किया तो ये आपके पास ये पिक्चर ऑन हो गई, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, सिलेक्शन में गए, एक लिप्स को सेलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे अगर ये, मैं ये बना लिया ऐसे, ठीक है, और इस पे मैंने राइट क्लिक किया, फेदर अप्लाई किया, तो फेदर 40 है। लेकिन ये देखें ये बहुत हाई रेजोल्यूशन पिक्चर है, ये कैसे आइडिया होगा, ये देखें अगर 16% देखें इसकी रेजोल्यूशन, 16% पे देखें कितना क्लियर है, तो इमेजिन करिए कितनी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर होगी। तो इसके लिए आपने फेदर अप्लाई करना है, तो इसके लिए फेदर ये 40, 30, 50 ये कोई नहीं, ये हाई रेजोल्यूशन इसके से ज़्यादा देना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 400 करता हूँ, ओके, और इसमें मैं कलर करता हूँ ऑल्ट बैक स्पेस, तो ये बैक, अगर मैं कंट्रोल सी करके, तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ, तो ये देखे रेड कलर का हो गया, सॉरी वाइट कलर का हो गया। कंट्रोल जी करता हूँ इसमें, तो अगर मैं इसका फेदर का साइज 400 की जगह मैं 200 करके देखता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ तो ये देखे फेदर, या कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ तो ये फेदर, ठीक है। तो अगर मैं इसको अंडू करके अंडू करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट सी सी, और अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके सेलेक्ट इनवर्स करता हूँ, सेलेक्ट इनवर्स करके, और इसमें मैं कलर दे देता हूँ कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है, या ऑल्ट बैक स्पेस, तो ये भी सूट करता है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह आपका ये फर्स्ट कैनवास, आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट तैयार हो गया। तो जो जो आपने सीखा उसको आपने अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो इसमें कलर चेंज भी हो सकते हैं, आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कलर रख लेता हूँ, इधर रेड रख लेता हूँ, ओके, और इसको सेलेक्ट करके इधर मैं ब्लू रख लेता हूँ, ओके, अब करके देखते हैं भला क्या आता है, ठीक है। तो फिर वही सिलेक्शन पे ओपेक्यू पे के यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट इनवर्स कर लें, कंट्रोल बैकस्पेस करें, तो ये ऑलरेडी वाइट है, या मैं ऑल्ट बैकस्पेस करता हूँ तो रेड हो जाएगा। तो ये देखें आप डिफरेंट इसमें अपने जो आपने सिलेक्शन सीखी उसको मैंने आपको लाइव प्रोजेक्ट पे अप्लाई भी करके दिखाया कि कैसे आप इसमें
ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर अब आप इसको सेव करना है तो सेव करेंगे तो ये परमानेंटली सेव हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी ओरिजिनल इमेज को सेव करना चाह रहे हैं कि वो ख़राब ना हो, तो उसका वही तरीका मैंने आपको बताया कि लेयर 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 न्यू लेयर लेयर न्यू लेयर पे काम करें और उस पर आप अपना सेव करें और पुराना आपका प्रोजेक्ट वो सेव रहेगा। तो आई होप सो कि आपको आज की ये फोटोशॉप की जो ट्रेनिंग की फर्स्ट वीडियो है वो पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको सिलेक्शन के बारे में, मूव टूल के बारे में बताया कि मूव टूल लेयर पे मूव हो सकता है, ठीक है, ओरिजिनल कैनवस पे नहीं हो सकता है। कलर कॉम्बिनेशन फिर मैंने शॉर्ट कीज आपको बताई, रेजर का बताया, सिलेक्शन की सारी ऑप्शंस बताई। आप इनकी प्रैक्टिस करें, कोई कमेंट कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करें, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में बहुत जल्द, जिसमें हम अपने सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।